उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले ही तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। शनिवार को एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव में नया नारा देते हुए कहा कि यूपी प्लस योगी मतलब उपयोगी पीएम मोदी के इस नारे के जवाब में अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अमेठी में पदयात्रा निकाली और योगी सरकार को निशाने पर लिया। मायावती की बीएसपी भी लगातार जीत के दावे कर रही है, हालांकि असली नतीजा तो जनता तय करेगी। ऐसे में एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ साप्ताहिक सर्वे किया है और लोगों से उनका मूड जानने की कोशिश की है। सर्वे में नज़र दौड़ाने से पता चलता है कि यूपी में बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस मामले में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। 4 दिसंबर को एसपी 33% वोट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो आज पार्टी को 34% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा बीएसपी जस की तस दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 1% वोट का घाटा होता दिख रहा है। यूपी में किसे कितने वोट मिले हम आपको बताते हैं। यूपी का चुनावी सर्वे कुल सीट 403, बीजेपी को 40%, सपा को 34%, बसपा को 13%, कांग्रेस 7%, अन्य 6%। यूपी में किसे कितने वोट, यूपी का चुनावी सर्वे में बीजेपी 4 दिसंबर तक 41%, सपा 33%, बसपा 13%, कांग्रेस 8%, अन्य 5%। वही 11 दिसंबर तक बीजेपी 40%, सपा 34%, बसपा 13%, कांग्रेस 7%, अन्य 6%। और आज के सर्वे में बीजेपी 40%, सपा 34%, बसपा 13%, कांग्रेस 7% व अन्य 6% पे बने हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का राजनीतिक तापमान बेहद गर्म है। एबीपी न्यूज ने सी वोटर साप्ताहिक सर्वे के जरिए यूपी की जनता का मूड जाना है। इस सर्वे में यूपी के 12,755 लोगों ने हिस्सा लिया है। सर्वे 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच का है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन समाचार।